हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में एक न्यू कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब कोई रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू फर्म में पार्टनर की संख्या घट जाती है। मान लिया जाए कि 3 पार्टनर हैं, उसमें एक रिटायर हो जाता है तो पार्टनर की संख्या घट के कितनी हो गई? 2। तो अब जो कैपिटल होगा वो नए तरीके से होगा, नया कैपिटल होगा। इसी को हम लोग कहेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। आइए ध्यान दिया जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज 32 नंबर, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कम टू द पॉइंट, एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो दे रहा है 5:2:3। इसमें वाई रिटायर है, वाई रिटायर, तो बचे एक्स और जेड। वो एग्री होते हैं कि अब उन लोगों का कैपिटल फिक्स हो गया 400,000 पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कहते हैं न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो। तो ये लोग अब सहमत हुए हैं कि 400,000 को हम लोग न्यू कैपिटल बनाएंगे और न्यू रेशियो पर बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय इन लोगों का सारे एडजस्टमेंट के बाद, मतलब सीडी अमाउंट दिया हुआ है 2,90,000 और 1,26,000। आपको जनरल ये देना है कि कौन कैश लाएगा और कौन कैश लेकर फर्म से जाएगा। जो कम दिया होगा वो कैश लेकर आएगा, जो ज़्यादा दे दिया है वो लेकर जाएगा। आइए ध्यान देते हैं कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना होगा NPR। NPR जरूरी इसलिए है क्योंकि NPR के लिए ज़रूरत है। अगर NPR रहेगा तभी तो न्यू रेशियो पर बांटेंगे कैपिटल को। तो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा सर? 5:3, 5:2:3 ये रेशियो है इनका, ठीक है। इसमें 2 को कट कर दिया जाए क्योंकि इसमें y तो रिटायर हो रहा है, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 5:3। बढ़िया। अब आइए न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है सर? आपके बुक में दिया हुआ है 4,00,000। तो हम लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ एक्स न्यू रेशियो पर, यानी 4,00,000 × 5/8, ठीक है, तो आ जाएगा 2,50,000। बढ़िया। अब उसके बाद हम लोग क्या जाए, अब वाई का निकाल, वाई नहीं, वाई तो रिटायर हो गया, तो जेड के बारे में बात करते हैं। तो 4,00,000 रुपए का निकाल दिया जाए 3/8, यानी कि हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। अब ध्यान देना होगा ये कि इन लोगों ने आज के डेट में एक्स देगा 2,50,000 और जेड देगा 1,50,000, लेकिन उससे पहले ये देख लिया जाए कि एक्स ने पहले कितना दे रखा है। तो बुक में दिया है कि एक्स का रिटायरमेंट के समय पेमेंट किया था, यानी उसका कैपिटल था 2,90,000 और जेड का कितना था 1,26,000। एक्स तो पहले ही 2,90,000 दे दिया है, आज ज़रूरत 2,50,000 का है, उसने दे दिया 2,90,000, यानी वो 40,000 अधिक दे दिया, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जेड की, तो जेड को चाहिए कि आज के डेट में वो 1,50,000 रुपया दे, लेकिन वो दिया है 1,26,000, यानी कि वो 24,000 रुपये कम दिया है। जो कम दिया है वो पैसा लेकर आएगा, जो ज़्यादा दे दिया वो पैसा लेकर जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कम और कौन अधिक दिया, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। सरप्लस मतलब अधिक, सरप्लस ऑफ एक्स, एक्स का सरप्लस कितना होगा? वो बंदा दे दिया 2,90,000, लेकिन आज के डेट में देना है न्यू कैपिटल 2,50,000, यानी कि ये कितना अधिक दे दिया सर? 40,000 रुपये इसने अधिक दे दिया। बढ़िया। उसी तरह इसके लिए वर्ड यूज किया जाए डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्यों सर? डिफिशियंसी ऑफ जेड, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के डेट में देना है 1,50,000
और उसने दिया है 1,26,000, यानी कम कम मतलब कम ही देना है 1,50,000 रुपया और दिया है उसने 1,26,000, तो वो 24,000 रुपया कम दिया, तो पैसा लेकर आएगा और जो एक्स वो पैसा लेकर जाएगा। इसके लिए हम लोग को जर्नल देना होगा। आइए हम जर्नल बताते हैं, एक्स का क्या जर्नल होगा। एक्स तो पैसा ज़्यादा दे दिया है, इसका मतलब वो लेकर जाएगा, इसका जर्नल क्या होगा सर? तो जर्नल हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बढ़िया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में हो जाएगा सर कैश अकाउंट, वो कैश लेकर जाएगा। बींग द कैश विथड्रू, वो अपना पैसा निकाल के ले जाएगा। विथड्रू बाई एक्स, एक्स अपना पैसा निकाल कर ले जाएगा। कितना रुपया वो ज़्यादा दे दिया है, 40,000, तो वो अपना 40,000 रुपया निकाल कर ले जाएगा, बढ़िया, ठीक। इसके बाद क्या करना होगा सर? वाई और जेड का जर्नल क्या देंगे? आप लोगों को जर्नल दिख तो रहा है ना? हाँ, जर्नल दिख रहा है आप लोगों को। अब ध्यान दिया जाए, अब हम बात करेंगे जेड का जर्नल कैसे दिया जाए। तो जेड का जर्नल उल्टा दिया जाए, क्योंकि वो पैसा कम दिया है 24,000, तो कैश लेकर आएगा, तो उसका जर्नल क्या हो जाएगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट सॉरी जेड कैपिटल, एक्स और जेड है ना, तो जेड का जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल बीइंग द कैश विथड्रू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्राउट, बी आर ओ यू जी एस टी, ब्राउट बाई जेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ। और मेरे स्टूडेंट यदि चाहें तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला 33 नंबर खुद से डील कर सकते हैं। आइए पढ़ के मैं समझा देता हूँ। ABC पार्टनर है 4:3:2, ए रिटायर होता है, तो बचे ABC का पुराना पूंजी दिया हुआ है 65,000, 55,000 और 30,000, ठीक है। ए तो रिटायर हो गया, बी और सी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग रेशियो लेंगे 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ओके। तो इसका कैसे एडजस्टमेंट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, उससे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा केयर करो। लगभग वैसा ही आप बड़े आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, जरा ध्यान दो। क्या क्या करना होगा सर? सबसे पहले NPR, वो तो रेडीमेड दिया हुआ है, आपको कट करके नहीं निकालना है, दिया है 3:2, 3:2, सबसे पहले NPR लिखना होगा, ओके, हाँ। उसके बाद न्यू कैपिटल, आप चाहे तो हाँ, उसके बाद क्या करना होगा, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ये तो किताब में दिया नहीं है कि न्यू कैपिटल कितना होगा, तो हमारे स्टूडेंट निकाल सकते हैं। बी और सी, क्योंकि ए तो गया, तो बी और सी की पूंजी कितनी दी है सर? 55,000 प्लस 30,000, तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म बराबर 55,000 अब प्लस कितना 30,000, यानी कि हो जाएगा कितना 85,000। जहाँ पे मेरा 4,00,000 आया है वहाँ पे आपका आएगा 85,000, यानी 55,000 प्लस 30,000 यानी कि 85,000। उसके बाद क्या करना होगा, अब इसको हम लोग बांटेंगे, ए तो गया, तो बी और सी में कैसे 3/5 और 2/5। उसके बाद देख लेना होगा कि बी तो दिया है 55,000, मान लीजिए बी का कट का आ जाए 50,000, मान लिया जाए, मैं नहीं जानता, मान लिया जाए बी 85,000 का 3/5 करेंगे, जो कट के आ जाएगा तो देख लेंगे कि वो 55,000 से अधिक दिया कि कम। अगर अधिक दे दिया तो सरप्लस, कम दिया तो क्या कहेंगे, डिफिशियंसी। उसी तरह हम लोग सी को भी देख लेंगे कि वो 85,000 का 2/5 कितना आ रहा है, और फिर देख लेंगे वो 30,000 से कम दिया कि ज़्यादा, कम दिया तो हम समझ लेंगे कि डिफिशियंसी है, और ज़्यादा दिया तो सरप्लस। और दोनों का जर्नल तो मैंने आपको सिखा ही दिया, उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन 32 और 33 अच्छी तरह बना लोगे, हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। एक बात और, यदि आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर तो आपको कॉमर्स में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद।